इस समय हूं उपला थला जो कोटड़ा तहसील के उदयपुर जिले के गांव में है। मेरे साथ में बाबूलाल जी खराड़ी है। कदमे छोटे लग रहे होंगे लेकिन इनका काम बड़ा है। मुझे बड़ी उत्सुकता थी बहुत वर्षों से कि मैं बाबूलाल जी के गांव आऊं। आज मुझे सौभाग्य मिला और परिवार का भी मैं ऋणी हूं कि जिन्होंने मुझे मक्के की रोटी और उड़द की दाल खिलाई। और इसके दौरान मुझे उत्सुकता हुई कि बाबूलाल जी का मकान 3 बार विधायक बनने के बाद ऐसा क्यों है। तो मैं बाबूलाल जी से सवाल पूछ रहा था कि बाबूलाल जी, लोग राजनीति में शुचिता की ईमानदारी की बात करते हैं, तो आप इतने ईमानदार क्यों हैं? मुझे संघ की शाखा से जो संस्कार मिला है जिसके कारण से ये सारी चीजें मेरे खून में नहीं है। मतलब राजनीति में ईमानदार रह के भी काम चल सकता है? चल सकता है। काफी लोग हैं जो आज भी देश में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, हमारा केंद्रीय तो जो भी है ये सब आपकी प्रेरणा है। हाँ, और कोई प्रेरणा? इनको आपने देखा होगा बचपन से ही। राजनीति में कब से और क्यों है? राजनीति में संघ के कार्य से मुक्त करके 1987 से मुझे राजनीति का दायित्व दिया था युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाते, और तब से अभी तक चल रहे हैं राजनीति में। विभिन्न दायित्व में पार्टी के रहते हुए काम किया और पार्टी ने मुझे आज 5वीं बार एमएलए का टिकट दिया, 2 बार हारा और 3 बार में जीता और प्रधान भी रहा उस कोंडा का। तो आपको राजनीति में काम करके अच्छा लगता है? लोगों के लिए, लोगों की सेवा है, जनता की। आप संतुष्ट हैं कि जो भूमिका आपको है जनता के लिए, जनजाति के लिए आप काम कर रहे हैं? मैं संतुष्ट हूं और जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है और उससे मैं खुश हूं। इस जनजाति क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप बड़े अरसे से जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या सोचते हैं कि जनजाति के समाज के लोगों के उत्थान के लिए और क्या किया जा सकता है? क्या आपका सोचना, क्या आपका सपना क्या है कि मैं चाहूंगा इस हैसियत में भी ये काम और हम लोग करें? देखिए, ये पिछड़ा